कैसे होंगे, अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दूध वाली सेवइयां। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, खजूरें ली हैं 4 अदद, इनको मैंने लंबाई में इस तरह से काट लिया है। नारियल डालेंगे ब्रीक ब्रीक कटिंग किया हुआ, 1 कप चीनी, बादाम, पिस्ता 4 से 5 अदद इलायची के, और 150 ग्राम मैंने सेवइयां ली हैं, ये मैंने बारीक वाली सेवइयां ली हैं। सबसे पहले आपने सेवइयों को इस तरह से तोड़ लेना है, इस तरह इतने इतने हमने इसके पीसीस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं सेवइयां ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम बस 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची ऐड करने के बाद अब हम इसमें दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मिनट पकाने के बाद इसमें हम अब चीनी ऐड करेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पिस्ता, बादाम, नारियल, खजूर। अब हम इसे पकाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं ये बनने में और हमारी सेवइयां तैयार हो जाएंगी। जैसा कि फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, सेवइयां हमारी तैयार हो गई हैं, ये देखें माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपनी आंच बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसके बाद डिश आउट कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स माशाल्लाह से मेरी सेवइयां तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की हैं, और 5 मिनट में ये बनने वाली रेसिपी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी सेवइयां कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।